अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? सर फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन रिक्वायरमेंट और उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस और डिज़ाइन स्टेप्स और फाउंडेशन रिक्वायरमेंट क्या है, डेप्थ रिक्वायरमेंट, स्पेसिंग रिक्वायरमेंट, इकोनॉमी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बेयरिंग कैपेसिटी के हवाले से हैं। बेयरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ है और इसमें डिफरेंट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी और अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी और सारे टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स, और बेयरिंग कैपेसिटी किस तरह फाइंड करना है उसके लिए जो मेथड्स हैं वो थोड़ा बताएंगे कि कितने मेथड्स हैं या कितने तरीकों से हम बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उनमें से एक जो मेथड है तर्ज़ावी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, उसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो लेंगे। ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेशन सबको नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है वो डिस्कस करेंगे, देन मोड्स ऑफ शीयर फेलियर। सबसे पहले तो याद रखे, आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, उसमें बेंडिंग फेलियर भी होती है, शीयर फेलियर भी होती है। ठीक है, लेकिन सॉइल में एक ही फेलियर है जिसको क्या कहते हैं, शीयर फेलियर। क्लियर है, समझ आ रही है? यस सर, हेलो, यस सर, आवाज फिर आ रही है सर। लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मेथड्स ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर कंटेंट्स है इस लेक्चर के। अच्छा, डिफिनीशन में कौन सी डिफिनीशंस है, क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में आप लोगों का क्या राय है या क्या ख्याल है, क्या चीज़? इस डिफिनीशन को फिलहाल साइड पे करें, आप अपना बताएं कि व्हाट इज बेयरिंग कैपेसिटी। शाबाश। सर ये मतलब बेयरिंग बेयरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी, ऑफ सॉइल इज द मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। कोई और? शाबाश, बेयरिंग स्ट्रेंथ। कोई सर और ये किसी बताए? चीज की, किसी चीज की कैपेसिटी हमें बताता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है लोड बर्दाश्त करने की। आसान अल्फाज में ये नाम से पता चल रहा है कि बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि कितना लोड ये सॉयल बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। बियर मीन बर्दाश्त कर सकता है। इज दैट क्लियर? कैपेसिटी आपको पता है ना, कैपेसिटी हम किस चीज को कहते हैं, सलाहियत को कहते हैं। कितनी सलाहियत है, कितनी लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत है। इज दैट क्लियर? समझ गए? यस सर। अच्छा, तो अब डिफिनेशन जरा देखिए, डिफिनेशन क्या कहता है। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इज द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया। लोड पर यूनिट एरिया मीन स्ट्रेस। ठीक है, समझ आ रही है? लोड पर यूनिट एरिया मीन स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस। तो बेयरिंग कैपेसिटी क्या चीज है? मैक्सिमम स्ट्रेस है विच द सॉइल कैन सपोर्ट विदाउट फेलियर या विदाउट शियर फेलियर। ठीक है, वो मैक्सिमम लोड जो एक सॉइल जो है सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, सॉरी, लोड नहीं, शियर स्ट्रेस। लोड नहीं, लोड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस। ठीक है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक सॉइल सपोर्ट कर सकता है विदाउट फेलियर।
उसको हम क्या कहेंगे, बेयरिंग कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? अगर फर्ज करें ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, नीचे डायग्राम है ये, यस सर, नजर आ रहा है सर। ठीक है। इसमें लेट सपोज ये जो इस एक्सिस पे है, लेट सपोज दिस इज स्ट्रेस। ये वैसे एक्चुअल डायग्राम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर हम लेट सपोज स्ट्रेस बढ़ा रहे, तो ये ग्राफ आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सॉरी, लोड हम बढ़ा रहे हैं किसी फोर्स या लोड, ये फोर्स है और ये स्ट्रेस है। ये मैंने वैसे रफ बनाए, याद रखे, कोई एक्चुअल नहीं है, ठीक है। ये लोड हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस आपको पता है किस चीज के बराबर है? स्ट्रेस, लोड पर यूनिट एरिया। एग्जैक्टली। अगर हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं और एरिया, तो आपको पता है कि सेम है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा? लोड इंक्रीज करने से स्ट्रेस इंक्रीज होगा, ठीक है। स्ट्रेस फाउंडेशन और सॉइल के दरमियान जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये लोड इंक्रीज हो रहा है इस एक्सेस पे, और इस एक्सेस पे यानी वर्टिकल एक्सेस पे स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो लाइन है, ये ग्राफ है, ये इस तरह इन ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यहां तक। फिर उसके बाद जब हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये फिर भी लेट सपोज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा इंक्रीज नहीं है, या इस तरह आप कह सकते हैं कि फिर वापस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो लोड हमने जब तक इंक्रीज किया और जब तक स्ट्रेस भी साथ में इंक्रीज हुआ, तो वो लिमिट आ गया, ये लिमिट है, इसके बाद फिर स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया। इसके बाद फिर अगर हम लोड इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, ठीक है, सॉयल फेल हो रहा है। यहां तक सॉयल जो है स्ट्रेस को सपोर्ट कर रहा है, सेफ है, इस जोन में सेफ है। तो सेफ का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, सेफ जोन का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, इस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, बाकी बाकी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में या सिर्फ ये एक है? यस सर है हम यस सर। सर, सारे सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सारे। यस सर, यस ठीक है, सर, मैं यस पहले सर। बता चुका हूँ, ये सिर्फ इंटरेक्शन है, ये याद रखे, ये लाइव सेशन जो हम लेते हैं ये इंटरेक्शन के लिए है, ठीक है। बाकी ये डिफिनीशन वगैरह, नोट, सारी चीजें आपको वैसे भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपने एक्टिव रहना है, आंसर देना है जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ये बेयरिंग कैपेसिटी है, एंड देन वी हैव अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। सो इट इज द लीस्ट प्रेशर, जरा गौर करें डिफिनेशन पे, लीस्ट प्रेशर या स्ट्रेस विच वुड काज शियर फेलियर ऑफ द सपोर्टिंग सॉइल इमीडिएटली बिलो एन एडजेसेंट टू अ फाउंडेशन। अब जरा गौर से सुने, जब हम इस पॉइंट से, ये जो लाइन है, इससे लोड इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इससे लोड इंक्रीज करते हैं, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, लेकिन फिर क्या होता है? फेलियर अकर होती है। इज दैट क्लियर? तो अगर लोड फर्ज करें यहां पे है, तो स्ट्रेस भी ज्यादा है, लेकिन मसला ये है कि ये फेलियर जोन में है, ये फेल है, ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इस डिफिनेशन के लिए आप इस डायग्राम को अपोजिट साइड से देखिए। अपोजिट साइड का मतलब है कि ऊपर वाले डिफिनेशन के लिए आपने यहां से स्टार्ट किया था, लोड इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम लिमिट आ गया, ठीक है। तो ये, तो अब इस तरह करते हैं कि इस साइड से शुरू करते हैं, लेट सपोज यहां से, तो क्या हो रहा है? यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस है सबसे ज्यादा, लेकिन क्या है? फेल है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये मिनिमम स्ट्रेस है, लीस्ट स्ट्रेस है, प्रेशर है जिस पे शीयर फेलियर जो है वो अकर हो रही है। इसके बाद ज्यादा प्रेशर पे तो लाजमी है, वो तो होगी, ठीक है, क्लियर है, लेकिन कम से कम वो प्रेशर जिस पे शीयर फेलियर अकर हो रही है। ये देखिए, ये बेयरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे शीयर फेलियर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर क्या हो रहा है, शीयर फेलियर, समझ आ रही है। फिर इस पूरे पोर्शन में शीयर फेलियर है, लेकिन इस पूरे पोर्शन में सबसे कम वाला प्रेशर कौन सा है जो इस बेयरिंग कैपेसिटी के साथ एडजेसेंट है। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मार्क किया है, समझ आ रही है ये वाला, यस इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट, यानी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, क्यू अल्टीमेट और सिर्फ क्यू बेयरिंग कैपेसिटी। लेकिन बेयरिंग कैपेसिटी की डिफिनेशन ऐसी है कि वो हम इस साइड से शुरू करते हैं, मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है, और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की डिफिनेशन ऐसी है कि ये मैक्सिमम के साइड से शुरू करते हैं तो लीस्ट लिखा है, इट इज द लीस्ट प्रेशर विच वुड काज शेयर फेलियर। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, आगे है अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी। अलाउबल, अलाउबल मीन जानते हैं ना क्या मतलब है अलाउबल, कि हम अलाउ करते हैं। वो बेयरिंग कैपेसिटी जो हम फाउंडेशन डिजाइन के लिए अलाउ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी। गौर से सुने और जहन में ये चीजें याद रखें, एक बेयरिंग कैपेसिटी, दूसरा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, तीसरा अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। आप अलाउबल की डिफिनेशन जरा देखें, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर इट इज द मैक्सिमम प्रेशर विच मे बी अप्लाइड टू द सॉइल सच दैट द टू फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के हवाले से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, वो दो रिक्वायरमेंट क्या है, एक सेटलमेंट का है और दूसरा शीयर फेलियर का है, समझ आ रही है? यस सर। जी सर। तो अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी वो बेयरिंग कैपेसिटी होगी कि वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते ये कि वो जो दो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है वो दोनों अपने अपने लिमिट में हो, यानी अपने लिमिट से बढ़ ना जाए, इंक्रीज ना कर सके, ठीक है, क्लियर है। वो दोनों जो सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, नंबर वन है सेटलमेंट मस्ट बी टू अ टॉलरेबल अमाउंट, समझ आ रही। सेटलमेंट मैंने पहले कहा था रिक्वायरमेंट वाले लेक्चर में कि सेटलमेंट हम अलाउ करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ खास लिमिट तक, और वो लिमिट मैंने आपको कितना बताया था लास्ट में, 5 inches। सॉरी 5 इंचेस, किसने कहा 5 इंचेस, तो बहुत ज्यादा है, 1 inch। 1 इंच, 1 inch था सर। कुछ कुछ सॉयल में 1 इंच है मैक्सिमम, ठीक है, और बाज सॉयल के लिए, बाज स्मॉल बिल्डिंग्स के लिए और बाज सॉयल के लिए 1.5 इंच तक अलाउबल है मैक्सिमम, ठीक है, 1 to 1.5, मैक्सिमम 1.5 है, ठीक है। दूसरा है कि शीयर फेलियर इज प्रिवेंटेड। शीयर फेलियर जो जिसको हम किस चीज से कंट्रोल करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मदद से, ठीक है, तो उसके लिए अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्यू अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट तो आपने इससे पहले पढ़ा, जो लीस्ट प्रेशर है जिसपे शीयर फेलियर हो रही है, समझ आ रही है, लीस्ट प्रेशर जिस पे शीयर फेलियर हो रही है, उसको फिर फर्दर 2.5 से लेके 3 तक आप डिवाइड करें, समझ आ रही है, क्लियर है यस सर। ये इक्वेशन। देखिए
वो जो लीस्ट प्रेशर है उसको फर्दर आप 3 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे जो प्रेशर की वैल्यू आएगी इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो दोबारा बता दीजिए। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आप समझ गए, इससे पहले अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी समझना जरूरी है, दिस वन। समझ गए या नहीं? शाबाश। लीस्ट प्रेशर है वो लीस्ट प्रेशर जिस पे शेयर फेलियर हो रही है, कम से कम प्रेशर जिस पे फेलियर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इससे ज्यादा पे तो ऑलरेडी होगी ना, कम से कम वो है जिस पे फेलियर हो रही है उसको हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। उस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को अगर हम 2.5 से लेके 3 तक, यानी लेट सपोज 3 पे डिवाइड करेंगे, तो फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं, और उसके बेस पे डिजाइन होगा। समझ आ रही है या नहीं? यस सर, समझ रही। लेट सपोज एक फाउंडेशन है या एक सॉयल है, वो सॉयल जो है उस पे हम फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो सॉयल है वो लीस्ट जो प्रेशर है, प्रेशर तो आप जानते हैं ना, लीस्ट जो प्रेशर है लेट सपोज वो कितना है, वो है 30 किलो पास्कल। समझ आ रही है? लीस्ट प्रेशर का मतलब है कि 30 किलो पास्कल जो लोड है इस पे ये फेल हो रहा है। इससे अगर प्रेशर कम है, यानी 29 है, 29 किलो पास्कल, जरा गौर करें, ठीक है, तो फिर ये सॉयल फेल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? फिर ये सॉयल फेल नहीं होगा और 30 पे फेल हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर 30 पे फेल है तो 31 पे भी फेल होगा, 30.1 पे भी फेल होगा, ठीक है, लेकिन 29.9 पे ये सेफ है, फेल नहीं हो रहा। समझ आ रही है? यस सर, तो इस वजह से इस 30 किलो पास्कल को हम क्या कहेंगे, क्यू अल्टीमेट कहेंगे, क्यू अल्टीमेट। अब जो हमारा फाउंडेशन डिजाइन होगा ये इस 30 पे डिजाइन नहीं होगा, बल्कि हम क्या करेंगे, इस 30 को फर्दर 3 पे डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 3 से क्या आएगा, 10 आएगा सर। 10 किलो पास्कल आ जाएगा। तो उस 10 किलो पास्कल के लिए हम पर फर्दर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? क्यों 3 पे डिवाइड करते हैं? यस सर, ये 3 क्या चीज है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी एग्जैक्टली, दिस इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और मैंने कहा था कि फाउंडेशन में सबसे ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ये रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट वाले लेक्चर में ज्यादा है, ठीक है, 3 बहुत ज्यादा है। देखिए हमारा जो फाउंडेशन या जो सॉइल है वो 29.9 पे भी फेल नहीं हो रहा है। समझ आ रही है? 29.9 पे भी सेफ है, ठीक है, क्लियर है? यस सर, 30 पे फेल है, लेकिन हम डिजाइन में 30 यूज नहीं कर सकेंगे। डिजाइन में हम क्या यूज करेंगे, क्यू अलाउबल 10 यूज करेंगे। तो देखिए कितना मार्जिन है, क्यों ये इतना बड़ा मार्जिन देते, क्योंकि फाउंडेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इस पे पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है, क्लियर है। और इसके अलावा जो बेयरिंग कैपेसिटी के तरीकेकार है, प्रोसीजर्स है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एजम्पशंस है, बहुत क्या कहते हैं, यानी एग्जैक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते 100% कॉन्फिडेंस के साथ, कोई चीज फाइंड नहीं कर सकते। ज्यूटेक में ये याद रखें, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं है जितना स्ट्रक्चर में, क्लियर है? जी सर, क्योंकि यस सर, सॉयल है ना, सॉयल है, नीचे हिडन चीज है, आपको पता नहीं है। आपने बेशक एक जगह में एक्सप्लोरेशन की है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इसके साथ या इस पूरे प्लांट में एक किस्म का सॉयल हो। आपने जहाँ पे बोर किया है वो तो 6 इंच या 8 इंच का बोर है, ठीक है, हो सकता है उसके साथ ही 2-3 इंच बाद सॉयल दूसरे किस्म का हो, ठीक है।
तो यानी बहुत ज्यादा जो है क्या है वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है इसमें, तो इस वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है 2.5 to 3, समझ गया अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी। यस सर। नेक्स्ट है अब इंटेंसिटी या प्रेशर की तरफ जरा आते हैं कि कितना प्रेशर आता है फाउंडेशन की वजह से, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। आपने कभी सुना है ग्रॉस वेट और नेट वेट? जी सर सुने। क्या मतलब होता है क्यू ग्रा, चीनी के बोरी के ऊपर लिखा होता है ग्रास वेट इक्वल टू 50 kg या 51 kg, ठीक है, और नेट वेट इज इक्वल टू 49 kg, तो क्या मतलब है इसका अगर इस तरह लिखा है? ग्रास समेत तेरी सब कुछ सर, वो वजन होता है और नेट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नेट का मतलब है जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, जो एक्चुअल चीज है उसका इतना वेट है, ठीक है, और ग्रास का मतलब है कि इसके साथ ये पैकिंग और ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यही कंसेप्ट है, इट इज द टोटल प्रेशर एट बेस ऑफ द फुटिंग ड्यू टू द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इन अर्थ फेल इफ एनी। देखिए टोटल प्रेशर, प्रेशर तो जानते हैं सारे, लोड पर यूनिट एरिया, एट बेस ऑफ फुटिंग, दिस इज बेस ऑफ फुटिंग, ठीक है, ड्यू टू द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन के ऊपर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका वेट, एंड अर्थ फेल इफ एनी। और आपको पता है ये लेट सपोज ये अगर फाउंडेशन है तो इस फाउंडेशन में देखे ये ऊपर से लोड आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, और इस फाउंडेशन के इन एजेस पे, ये जो साइड पे एजेस है इस पे क्या है, सॉयल है ना यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे, समझ आ रही है? जी सर आ रही। तो इस सॉयल का भी अपना लोड है, वो लोड भी इस फाउंडेशन पे आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, अर्थ फिल है या क्या कहते हैं इसको, सॉयल, ठीक है, फिलिंग हम करते हैं ना फाउंडेशन के ऊपर, फिर दोबारा फिलिंग करते हैं, तो इस फिल का जो वेट है वो भी लोड वन। तीसरा वेट जो है वो किस चीज का है, फाउंडेशन का सेल्फ वेट है, ये जो फाउंडेशन का कंक्रीट है या आरसीसी है इसका अपना भी वेट है, इज दैट क्लियर? तो ये तीनों जो लोड है इनको अगर हम कंबाइन करें, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, लेकिन इसमें एक गलती है यहाँ पे, ये लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर, वेट ऑफ फाउंडेशन एंड वेट ऑफ द सॉयल आर अर्थ फेल्स, ये तो क्लियर है ना फार्मूला या नहीं? क्लियर जी है सर। सर, इसमें एक मसला है, वो मसला क्या है आप बता सकते हैं? अगर हम इसको प्रेशर कहते हैं तो देन व्हाट शुड बी देयर, क्या होना लोड चाहिए, है एरिया। एरिया होना चाहिए, दिस दीज ऑल आर लोड्स, ये तीनों क्या है, लोड है, इन तीन लोडों को ऐड करके टोटल एरिया पे, कंटेक्ट एरिया जो सॉइल और फाउंडेशन का कंटेक्ट एरिया है उस पे डिवाइड करेंगे तो देन दिस में बी कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है, तो इसको फिर हम ग्रास प्रेशर इंटेंसिटी कह सकते हैं, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ तक जो है हमने एक्सकेवेशन करना है, और से सुने, ठीक है, ग्राउंड सरफेस है यहाँ तक एक्सकेवेशन करना है, तो लेट सपोज ये हमारा टोटल वेथ है फाउंडेशन का, इतना जगह हमने एक्सकेवेट करना है, ठीक है, तो इस सॉइल का वेट आपको पता है कितना होगा? सर ये हाइट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे गेमर के साथ के किसी के साथ। एग्जैक्टली, गेमा है यूनिट वेट, गेमा यूनिट वेट ऑफ द सॉयल,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के साथ। किस चीज के साथ? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के साथ। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये है, ठीक है। इस डेप्थ के साथ अगर हम यूनिट वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ दिस टोटल सॉइल। ये जो सॉइल है यहाँ पे जो हमने एक्सकवेट करना है, ठीक है, क्लियर है। और फिर इस वेट को हाँ अकॉर्डिंगली उसी तरीके से अगर हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये फिर क्या होगा, ये स्ट्रेस बन जाएगा उसका। लेकिन उसको फिलहाल एरिया से डिवाइड ना करें, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा। ये जो एरिया है और इसी तरह इसमें भी एरिया आता है, ठीक है, इसको वेट में ही लिखा करें, यानी WSS और WF और WS, दिस इज एनफ। समझ आ रही है? जी सर। यस सर। वेट के यूनिट में ही लिखा करें। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, वैसे कंसेप्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि दिस अगर हम प्रेशर कहते हैं तो डिवाइडेड बाय एरिया होना चाहिए, लेकिन हम चूंकि दो चीजें कंपेयर करते हैं बाद में, ठीक है, तो उस वजह से दोनों चीजों में अगर ए ए लिखना है बार बार और फिर कट हो जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। दूसरा चीज जिसके मैं बात कर रहा था वो क्या है, नेट प्रेशर इंटेंसिटी है। नेट प्रेशर इंटेंसिटी, नेट प्रेशर इंटेंसिटी अब क्या है, नेट मीन कि प्रेशर इंक्रीज जो किस वजह से आया है, जो इस फाउंडेशन के बनने से यहाँ पे आया है, यानी इस फाउंडेशन लेवल पे, ये जो फाउंडेशन लेवल है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये फाउंडेशन लेवल, इस फाउंडेशन लेवल पे इस फाउंडेशन के आने से पहले भी एक स्ट्रेस था। समझ आ रही है? एक स्ट्रेस तो यहां पे मौजूद था ना, वो स्ट्रेस कितना है, डी के बराबर है, ठीक है। हेलो, यस सर। जी सर। इस लेवल पे स्ट्रेस ऑलरेडी मौजूद है, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, गामा डी, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सकवेशन करते हैं, सॉइल निकालते हैं, जब सॉइल हम रिमूव करते हैं, फाउंडेशन अभी बना नहीं है, तो हमने क्या रिमूव किया, गामा डी जो प्रेशर था उसको हमने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। इज दैट क्लियर? इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर जब फाउंडेशन बन जाएगा, इसके ऊपर स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये सारे लोड, ये प्रेशर आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू ग्रास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्यू ग्रास आ जाएगा। तो अब क्यू ग्रास में ये सॉयल भी है, फाउंडेशन भी है, ठीक है, यानी एक क्या कहते हैं, एक कंबाइन किस्म का है। लेकिन इसमें अब नेट प्रेशर क्या है, नेट मीन कि वो प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है किस वजह से, फाउंडेशन बनने की वजह से। समझ आ रही है? वो किस चीज के बराबर होगा, वो क्यू ग्रास माइनस गामा डी, क्योंकि गामा डी तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर था, लेकिन उसको हमने फाउंडेशन बनाने के लिए रिमूव किया, वो सॉइल का जो प्रेशर है, ठीक है। जी सर। समझ आ रही है या नहीं? आ रही है जी आ रही। सर। ठीक है, तो क्यू टोटल प्रेशर जो अभी है फाउंडेशन की वजह से, ठीक है, माइनस गामा डी वो वाला प्रेशर जो फाउंडेशन से पहले मौजूद था, उसको हम माइनस करेंगे तो ये क्यू नेट हमें देगा। और क्यू नेट का मतलब है ये क्या है, दिस इज एक्चुअल इंक्रीज ऑफ प्रेशर दिस फाउंडेशन। समझ आ रही है? इट इज द इंक्रीज इन प्रेशर एट फाउंडेशन लेवल बीइंग द टोटल वेट लेस द वेट ऑफ द सॉइल परमानेंटली रिमूव। अब जरा सुने, अगर लेट सपोज इफ क्यू ग्रास इक्वल टू गामा डी, अगर ये दोनों बराबर हो गए, फर्ज करे हमारा छोटा स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, के लोड इतना नहीं, ये बना नहीं है, फाउंडेशन का वेट इतना नहीं है, समझ आ रही है? तो फिर उस कंडीशन में ये हो सकता है कि क्यू ग्रास इक्वल टू गामा डी हो, जितना सॉइल हमने रिमूव किया है सेम फाउंडेशन का भी वेट हो। ये आइडियल बात है, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है?
सर समझ आ रही है, यानी जितना हमने सॉइल रिमूव किया है एक्सकवेशन का, उतना ही लोड आ रहा है या उतना ही स्ट्रेस आ रहा है पूरे फाउंडेशन से भी। इज दिस पॉसिबल प्रैक्टिकली? नो सर, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फिर हम फाउंडेशन बनाने की जरूरत क्या है, फिर फाउंडेशन बनाने की जरूरत क्या है, फिर तो आपने स्ट्रक्चर सरफेस के ऊपर बस बिल्डिंग बनाना था। समझ आ रही है? जी सर आ रही सर। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आइडियली अगर लेट सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, यानी क्यू ग्रॉस इक्वल टू गामा डी, देन नेट प्रेशर क्या होगा? नेट प्रेशर जीरो होगा। ठीक है, अगर किसी सॉयल के ऊपर नेट प्रेशर जीरो है, यानी नो चेंज इन प्रेशर या इन स्ट्रेस, तो फिर क्या होगा? देयर विल बी नो सेटलमेंट। समझ आ रही है? जी सर यस सर। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम फाउंडेशन बनाने से पहले, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे एक्सकवेशन करते हैं, और एक्सकवेशन के दौरान जो सॉयल हम रिमूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस रिलीज हो जाते हैं। यानी यहाँ पे पहले एक स्ट्रेस था गामा डी के बराबर, लेकिन जब हमने सॉयल यहाँ से रिमूव किया, एक्सकवेट किया, तो यहाँ से स्ट्रेस क्या हुआ? रिलीज हो गया। तो स्ट्रेस रिलीज की वजह से यहाँ का जो सॉयल है वो क्या होगा? वो थोड़ा सा हीव अप हो जाएगा। हीव अप जानते हैं? यानी एक्सपेंड हो जाएगा अप की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है? हेलो। जी जी सर सर। थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो जाएगा। अब अगर हम दोबारा वही सॉइल जो हमने यहां से रिमूव किया है, वही सॉइल अगर हम दोबारा इसमें डाल देंगे, ठीक है, तो ये याद रख, ये सॉयल जो ऊपर थोड़ा सा गया है, ये वापस अपने लेवल पे इसी वजन पे नहीं आएगा। समझ आ रही है? यानी फुली रिकवर्ड नहीं होगा। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि दिस इज प्लास्टिक या सेमी प्लास्टिक, इलास्टिक नहीं है। समझ आ रही है? समझ आ जी रही सर, है? जी सर, जी सॉयल सर, क्या है? सॉयल इलास्टिक नहीं है, फुली इलास्टिक नहीं है। अगर फुली इलास्टिक होता तो जितने वेट पे ये एक्सपेंड हुआ है, वापस उतनी वेट पे ये वापस अपनी जगह पे आना था, लेकिन वापस अपनी जगह पे ये नहीं आ जाता, बल्कि कुछ परमानेंट एक्सपेंशन उसमें रह जाती है। समझ आ रही है? तो इसको हम कहते हैं कि ये प्लास्टिक है या सेमी प्लास्टिक है। So, however, practically, when the soil is removed, there is heave at the bottom of excavation, which is not fully recovered even when the same weight is again placed. अब हम चूंकि बेयरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ गए, तो बेयरिंग कैपेसिटी से पहले हमने मोड्स ऑफ शियर फेलियर थोड़ा देखना है कि सॉइल के अंदर या फाउंडेशन के नीचे जो फेलियर होती है, ठीक है, वो फेलियर किस किस्म की हो सकती है। तो इसके लिए एक रिसर्चर है वेसिक, वो वेसिक ने 1973 में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे फिर एक पब्लिकेशन की है जिसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड्स ऑफ शेलो फाउंडेशन, जर्नल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इन फाउंडेशन में। ठीक है, ये इसका एक कंप्लीट रिपोर्ट है या आर्टिकल है। ये देखिए बहुत ज्यादा बड़ा पेपर है, 45 से लेके 73 तक। कितने पेजेस हो गए? 15 एंड 13, 28 पेजेस है ये पेपर। ठीक है, लेंथी पेपर है। इस पेपर में उसने वो जो जितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जितने एनालिसिस किए थे, उनको समराइज करके ये बताया है कि सॉयल में जो फेलियर होती है वो अमूमन तीन किस्म की होती है, शियर फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तीन किस्म जी की सर, फेलियर होती है। एक एक को कहते हैं जनरल शियर फेलियर, सेकंड है लोकल शियर फेलियर, और थर्ड है पंचिंग शियर
फेलियर, ठीक है। ये तीन किस्म के शेयर फेलियर उसने बताए हैं और इसी कंसेप्ट पे लोग आगे फिर बढ़ रहे हैं अभी अभी तक, ठीक है। नंबर वन है जनरल शेयर फेलियर। अकॉर्डिंग टू बेसिक एक्सपेरिमेंट्स, अगर डेंस सेंड है या स्टिफ कोहेसिव सॉयल है, ये याद रखे, ये कंडीशन जरूरी है। यानी इसने मुख्तलिफ किस्म के सॉयल पे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, और उनमें जो डेंस सेंड और स्टिफ कोहेसिव सॉयल था, ठीक है, उनमें ये वाला फेलियर अकर हुआ जिसको जनरल शेयर फेलियर कहते हैं। डेंस सॉयल जानते हैं, सॉरी डेंस सेंड, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। डेंस सेंड का क्या मतलब है? जो डेजर्ट में होती है सर। नहीं सर, कॉम्पैक्ट हुई हुई हो, कॉम्पैक्ट हुई हो, जिसकी कंपैक्शन हो जाए, डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। डेंसिटी किस चीज से इंक्रीज होती है? कंपैक्शन की वजह से, ठीक है। और कोहेसिव सॉइल जानते हैं? कोहेसिव सॉइल किसको कहते हैं? एग्जैक्टली, क्ले को कोहेसिव सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो स्टिफ कोहेसिव सॉइल मतलब है कोहेसिव बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग क्ले है, वीक क्ले नहीं है, समझ आ रही है? स्ट्रॉन्ग क्ले स्टिफ है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में, यानी इसका मतलब ये कि क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉइल है, डेंस सैंड भी स्ट्रॉन्ग है, यानी सैंड अगर हम डेंस कर दें तो बहुत ज्यादा पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कोहेसिव सॉइल भी स्ट्रॉन्ग है, तो यानी स्ट्रॉन्ग किस्म का, मजबूत किस्म का सॉइल है, तो उसमें फिर कौन सा फेलियर होगा? जनरल शेयर फेलियर होगा। Is that clear? General shear failure का pattern किस तरह होगा, procedure किस तरह होगा, इसको जरा पढ़ते हैं। Characterized by well-defined failure pattern consisting of a wedge in slip surfaces, bulging यानी heaving of soil surface adjacent to the footing, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो pattern है या जो shape है, failure shape soil का, ठीक है, जनरल शेयर फेलियर में, वो वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन यानी किस तरह है, ये देखे, ये क्या चीज है, ये फाउंडेशन है, ठीक है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ये सर आ रहे हैं। ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन पे उसने क्या किया, लोड इंक्रीज करना शुरू किया, समझ आ रही है? लोड पहले कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फिर उसने फील किया कि इसके नीचे जो फेलियर हो रही है वो इस किस्म का है कि इसमें तीन जोन बनते हैं। कितने जोन बनते हैं? तीन जोन। एक ये वाला है जो बिल्कुल फाउंडेशन के नीचे जो पोर्शन है, ये ट्राइंगुलर शेप का एक विज बन जाता है, ठीक है, और ये विज है तो इस तरह नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए विज अगर नीचे की तरफ जाएगा, इसके साथ जो नीचे नहीं जाएगा बल्कि वो इस साइड में और ये वाला इस साइड में मूवमेंट करेगा, समझ आ रही या नहीं? ये पोर्शन जो है ये एग्जैक्टली डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है, और जब ये डाउनवर्ड जाता है तो चूंकि ये विज है तो विज के तो पोर्शन है ये इस तरफ मूवमेंट करेगा और ये पोर्शन भी इस तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है, और ये दोनों पोर्शन फिर यहाँ पे इसमें जो मूवमेंट है थर्ड जोन में, ये मूवमेंट इस किस्म की होगी, यानी अपवर्ड की तरफ। इज दैट क्लियर? जी सर, समझ गया। इसको इसको कहते हैं जनरल शेयर फेलियर, ठीक है, और ये जो टाइप्स होगा, यानी स्ट्रॉन्ग सॉइल है, हम इंक्रीज कर रहे हैं, कोई इस तरह नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट हो रही है फिर शेप बन गया, नहीं, कुछ भी नहीं है, ये देखे लोड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेटलमेंट थोड़ा सा सेटलमेंट है, इतना ज्यादा सेटलमेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, तो ध्रज करके सडनली ये शेप बन जाता है और जो फाउंडेशन है फेल हो जाता है।
ठीक है, और फेलियर के साथ टेल्टिंग ऑफ द फुटिंग अकर होती है। टेल्टिंग क्यों होती है? क्योंकि ये साइड ऊपर गया, ये लेट सपोज ज्यादा ऊपर गया और ये कम ऊपर गया, फाउंडेशन इस तरफ पे टेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कम ज्यादा ऊपर गया और ये कम आया, तो फिर फाउंडेशन इस तरफ पे यानी टेल्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस जी सर। सर। इस सिचुएशन में, इस एक्सपेरिमेंट में उसके पास जो लोड आया है जिस पे फेलियर हुई है, ठीक है, वो क्या था? वेल डिफाइन था। ये देखिए एक ही पॉइंट है, वेल डिफाइन है, तो यहां से उसने जो लोड या स्ट्रेस निकाला है उसको क्या कहा है? उसको कहा है कि दिस इज क्यू अल्टीमेट। क्यू अल्टीमेट तो समझ गया है ना, कि वो लीस्ट प्रेशर है जिस पे शेयर फेलियर हो रही है। ठीक है, क्लियर है? यस दिस सर। टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज जनरल शेयर फेलियर। सेकंड है लोकल शेयर फेलियर। लोकल का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि लोकल है, ज्यादा इधर उधर नहीं है, करीबी एरिया में। ठीक है, समझ आ रही है? ये कौन से सॉयल में होगा? सैंड आर क्ले सॉयल ऑफ मीडियम कंपैक्शन। ये देखिए पहले सबसे ज्यादा कंपैक्टेड फॉर्म में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉयल, अब ये जो सॉयल है दूसरे नंबर पे, ये मीडियम किस्म का सॉयल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, दरमियानी किस्म का सॉयल है। तो दरमियानी सॉयल में दोनों हो सकते हैं, सैंड है मीडियम कंपैक्शन का या क्ले है मीडियम कंपैक्शन का। क्लियर है? जी सर। लोकल शियर फेलियर है। अब इसमें फेलियर पैटर्न कंसिस्ट ऑफ विज एंड स्लिप सरफेस बट इज वेल डिफाइंड ओनली अंडर द फुटिंग। वो तो पूरा वेल डिफाइंड था, ये जो है ये सिर्फ फुटिंग के नीचे यहाँ पे इस पोर्शन में वेल डिफाइन है, साइड्स पे इसका जो पैटर्न है वो ज्यादा क्लियर नहीं हुआ उसके एक्सपेरिमेंट से, तो इस वजह से वो कहता है कि दिस इज ओनली वेल डिफाइंड अंडर द फुटिंग। ठीक है, स्लाइट बल्जिंग ऑफ सॉइल सरफेस अकर्स, टेल्टिंग ऑफ फुटिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड। इसमें जो उनकी बल्जिंग बहुत ज्यादा स्लाइट है, स्लाइट मीन कम है, तो इस वजह से टेल्टिंग के चांसेस भी कम है। ठीक है, और अकर्स इन सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी जानते हैं? हाई कंप्रेसिबल सॉइल कौन सा होगा? ज्यादा कंप्रेस होगा सर। जो ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, हाई कंप्रेसिबल का मतलब है जो ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। क्लियर है? कंप्रेस्ड है नहीं, हो सकता है। ठीक है, अल्टीमेट लोड इज नॉट वेल डिफाइंड। इस कंडीशन में अल्टीमेट लोड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है और इसमें लार्ज सेटलमेंट अकर हो सकती है। ठीक है, ज्यादा सेटलमेंट, बहुत ज्यादा सेटलमेंट इसमें हो सकती है। इसमें देखिए ये लेट सपोज जब स्टार्ट से शुरू किया तो स्टार्ट में देखिए लोड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक जर्क महसूस होती है, एक झटका लगता है जिससे पता चलता है कि ये सॉयल फेल हुआ, लेकिन सॉयल कंप्लीटली फेल नहीं है, फिर और भी ये लोड ले सकता है, जब और लोड उसने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। ठीक है, तो फिर एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ और उस पे Q2 आ गया, QU2। इसी तरह फिर और लोड इंक्रीज करता है तो इसके बाद भी एक जर्क महसूस हो सकता है, तो इस वजह से कहता है कि इसमें लोड जो है अल्टीमेट लोड यानी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो वेल डिफाइंड नहीं है इस कंडीशन में। समझ आ रही है? पहले वाले कंडीशन में अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू एक ही थी, एक जगह पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे फेल हो गया, बस और लोड ये नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे लोड अप्लाई किया, इंक्रीज करना शुरू किया तो एक जर्क महसूस हुआ, ठीक है, जिससे हमें अंदाजा या उसको अंदाजा लगा विसिक को, ठीक है, कि यहाँ पे फेलियर हो गई, लेकिन फिर उसने दोबारा, चूंकि टेल्टिंग वगैरह इतनी नहीं है,
ठीक है, टेल्टिंग नहीं, बल्जिंग नहीं है, तो दोबारा उसने लोड और इंक्रीज करना शुरू किया, तो और लोड ले रहे है, ठीक है, आगे जाके एक और झटका महसूस किया, तो फिर उसने महसूस किया कि अभी ये जो लोड है ये फेलियर है, लेकिन वो भी नहीं है, फिर और, तो इस तरह ये प्रोसेस उसने रिपीट किया, यही पैटर्न रहा, तो उसको इसने क्या नाम दिया, लोकल शियर फेलियर। इज दैट क्लियर? जी सर। लोकल शेयर फेलियर की ये प्रॉपर्टीज याद रखे, और इसमें ये याद रखे कि लोकल शेयर फेलियर किस किस्म सॉइल में होगा, मीडियम कंपैक्शन वाले सॉइल में, चाहे सैंड है चाहे क्ले, ठीक है। और पहला जो जनरल शेयर फेलियर है वो स्टेफ सॉइल में, स्टेफ क्ले में, या डेंस सैंड, जो स्ट्रॉन्ग किस्म के सॉइल है, ठीक है। थर्ड है पंचिंग शेयर फेलियर। अब ये जो सॉइल है ये हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल का क्या मतलब है, जो अभी बिल्कुल लूज फॉर्म में है और इसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसा सॉइल जो बिल्कुल लूज फॉर्म में पड़ा है और इसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इस किस्म के सॉइल को क्या कहते हैं, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अभी से आपने सॉरी अभी किसी जगह पे आपने डंपिंग की है, अभी आपने सॉइल डाला है, तो वो जो सॉइल है वो बिल्कुल लूज फॉर्म में पड़ा है, समझ आ रही है, उसकी कंपैक्शन नहीं हुई है, तो वो हाईली कंप्रेसिबल है, उसकी बहुत ज्यादा कंपैक्शन सकती है, ठीक है। यस सर। क्लियर है? अच्छा, इसमें अब क्या होगा, फेलियर टेक प्लेस इमीडिएटली बिलो फुटिंग एंड सराउंडिंग सॉइल रिमेन्स रिलेटिवली अनएफेक्टेड। पंचिंग का मतलब यही है कि ये जो फाउंडेशन है ये इसमें पंच हो जाता है, पंच का कि डीप जाता है नीचे, या सॉरी अर्थ गिर्द या साइड्स पे कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उसमें डंस गया, वो फाउंडेशन है वो बिल्कुल नीचे हो गया, ठीक है, नो बल्जिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस फुटिंग। अगर सॉइल है तो पंच हो सकता है ना, लार्ज सेटलमेंट्स, और अब इस कंडीशन में सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा होगी, लोड इसमें अगेन वही सिचुएशन है कि लोड इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इस कंडीशन में वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सॉइल वेरी कंप्रेसिबिलिटी, फेलियर पैटर्न इज नॉट वेल डिफाइंड, नीचे पैटर्न पता नहीं है, बस के फ्रीज हुआ तो अचानक ये नीचे क्या हो शुरू हुआ, पन। क्लियर है? जी सर, क्लियर। So this was the third type of shear failure. तो ये किस्म shear failure याद रखे, ठीक, general shear failure, local shear failure, and third one is punching shear failure. और इसके साथ ये याद रखे कि कौन से soil में किस किस्म failure होगा। अगर strong soil है, simple words में कह रहा हूँ, strong soil का मतलब है stiff clay या dense sand, तो उस condition में general shear failure होगी। अगर बहुत ज्यादा वीक सॉइल है जो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल भी है, ठीक है, तो उसमें पंचिंग शेयर फेलियर होगी। और अगर इन बिटवीन है, ठीक है, तो इन बिटवीन वाले सॉइल में लोकल शेयर फेलियर होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, हमने बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फिर मोड्स ऑफ शेयर फेलियर भी डिस्कस हुआ, तो अब नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी के मेथड्स कौन कौन से है, ठीक है, तो यानी बेयरिंग कैपेसिटी हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए ये चार मेथड यूज होते हैं, ये याद रखिए। नंबर वन है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जानते हैं, कुछ आइडिया है एनालिटिकल मेथड का?
एनालिटिकल फार्मूला आप जानते हैं, एक एनालिटिकल फार्मूला होता है और एक दूसरा एम्पेरिकल फार्मूला होता है। सर ये थ्योरी की हेलो बेस पे, स्टूडेंट्स, सर ये थ्योरी की बेस पे और एम्पेरिकल जो है तो उसके एक्सपीरियंस की बेस पे होते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ हद तक ठीक है, और एनालिटिकल फार्मूला एनालिटिकल थ्योरी बेस्ड हो गए सर। थ्योरी ज्यादा क्लियर नहीं है। क्लियर ये है कि एनालिटिकल ये है कि एक्चुअल सिचुएशन को ड्रा करके, एक्चुअल सिचुएशन को या एक्चुअल कंडीशन को ड्रा करके फिर मैथमेटिक्स और साइंस के रूल रेगुलेशन यूज करके कोई इक्वेशन प्रूफ करना, उस किस्म के इक्वेशन को फिर हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? जी सर, तो कुछ एनालिटिकल मेथड्स है, ये एनालिटिकल मेथड मीन के इन लोगों ने उसके डायग्राम ड्रा करके कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और साइंस के रूल इक्वेशन यूज करके कुछ क्वेश्चंस दे, ठीक है। तो वो इक्वेशन जो है वो उनमें से मशहूर, वो एक तर्जागी बैरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, दूसरा है मेयर ऑफ बैरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, तीसरा है हेन इक्वेशन, इसी जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन भी बेयरिंग कैपेसिटी का, ठीक है। तो आपने दो पढ़ने, एक तर्जागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन और दूसरा अगर टाइम मिले तो हाफ इक्वेशन, ठीक है। बेसिक आपने कंसेप्ट देखना है इक्वेशन को किस करना है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं किस तरह आया है उसकी तरफ भी हम नहीं जाएंगे, किस तरह प्रूफ हुआ है प्रूफ की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन का यूज आना चाहिए, समझ आ रही है। तो एक इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो आपको तरीका आ जाएगा, प्रोसीजर आप समझ जाएंगे। तो फिर जितने भी इक्वेशंस है बेयरिंग कैपेसिटी की आपकी मर्जी है, जिस पे भी आप ट्राई करना चाहते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो तर्जागी बेयरिंग कैपेसिटी है, फिर दूसरे नंबर पे मेयर ऑफ है, ठीक है। क्लियर है? जी सर। इसी तरह ये तो हो गया एनालिटिकल मेथड। दूसरा आपको पता है कि फील्ड में भी कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ टेस्ट है जिससे हम बेयरिंग कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं फील्ड टेस्ट से, ठीक है। जिस तरह एसपीटी, आपने कभी एसपीटी देखा है या पढ़ा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ा है सर। पढ़ा है ना, प्रैक्टिकली तो किया नहीं है क्योंकि हमारे लैब में मौजूद है। प्रैक्टिकल नहीं किया सर। अच्छा, लेकिन देखा है, उसका प्रोसीजर पता है, यस सर। ठीक है। वो भी इसी कमिंग चैप्टर में वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, मेट से पहले पहले। कौन पेनेट्रेशन टेस्ट, सीपीटी के बारे में कुछ आइडिया है? नो सर। ये भी है, लैब में है, जूटेक 1 या जूटेक 2 के लैब, 2 के लैब में है कौन पेनिट्रेशन टेस्ट। जी सर, ये 6 सेमेस्टर में है, नहीं पता पढ़े लेकिन किए नहीं। सर। 6 सेमेस्टर में है कौन पेनिट्रेशन टेस्ट। एक कौन है, एक हैंड टाइप है जिसको हम हैमर के जरिए नीचे सॉइल में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे लेबोरेटरी में भी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जो कोन यूज होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड है, और उसमें एक ट्रक के जरिए, ट्रक के वेट की मदद से उसको नीचे जमीन में इंसर्ट करते हैं। कोन होता है सिंपल, एक कोन, कोन क्या, आप कोनाल ऑलरेडी जानते हैं कोन क्या चीज है, इस किस्म का कोन, ठीक है। उस कोन को क्या करते हैं, प्रेशर की मदद से या लोड की मदद से नीचे जमीन में इंसर्ट कर, ठीक है।
लोड अप्लाई करते हैं, ज़मीन में इंसर्ट करते हैं, तो फिर उसके डिफरेंट पोर्शंस है, यहाँ पे एक स्ट्रेस है, साइड पे दूसरा स्ट्रेस है, उससे बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड है ओवरऑल, इससे तो डायरेक्ट आपके पास क्यू अल्टीमेट की वैल्यू आएगी, क्यू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और एसपीटी जो है उसके लिए कोरिलेशन बने हैं, एसपीटी आपको पता है वो आपको एन की वैल्यू देता है, एन नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज पर फुट, ठीक है, या पर 12 इंच, वो जो नंबर ऑफ ब्लोज है उसको फिर कुछ स्टैंडर्डाइज करके फिर उसके बाद उसके लिए कोरिलेशंस है, इक्वेशंस है, उन इक्वेशन के जरिए हम पर कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं कोरिलेशन विद फील्ड टेस्ट डेटा, ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे इसमें। तीसरा है ऑन साइट डिटर्मिनेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी, डायरेक्टली साइट पे बेयरिंग कैपेसिटी मालूम करना, ठीक है, डायरेक्टली साइट पे बेयरिंग कैपेसिटी खुद मालूम करना, ना कोई इक्वेशन यूज करना, ना कोई एसपीटी के लिए कोरिलेशन यूज करना, बल्कि डायरेक्टली फील्ड में खुद डिटरमाइन कर, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसीजर यूज होता है, एक नाम है प्लेट लोड टेस्ट और दूसरा है पाइल लोड टेस्ट, ये आप सर्च कर सकते हैं, अभी भी आप देखें यूट्यूब में, आप एंटर करें यूट्यूब में, आपके पास इसका पूरा प्रोसीजर और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, एसपीटी का भी और सीपीटी का भी, तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी हम इस लेक्चर इस कोर्स में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है प्रेजम्प्टिव बेयरिंग कैपेसिटी, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप प्रेजम्प्टिव वैल्यू, कोई बेयरिंग कैपेसिटी की ऐसी वैल्यू जो रिकमेंड किए हैं मुख्तलिफ कोड्स ने, जिस तरह बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, कोड्स में हर किस्म के सॉइल के लिए एक बेयरिंग कैपेसिटी एज्यूम की है, ले है, तो उसके लिए इतनी बेयरिंग कैपेसिटी होने चाहिए इतने रेंज में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर सेंड है तो सेंड के लिए इस रेंज में होना चाहिए, अगर मिक्स है तो इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर उस कोड की वैल्यू से भी आप बेयरिंग कैपेसिटी ले सकते हैं, इज दैट क्लियर? जी सर, यस सर। तो ओवरऑल चार मेथड्स है, ठीक है, एनालिटिकल मेथड, कोरिलेशन विद एसपीटी एंड सीपीटी, और प्लेट लोड और पाइल लोड यानी ऑन साइट डिटरमिनेशन, और फोर्थ वन इज प्रेजम्प्टिव बेयरिंग कैपेसिटी। तो अब इसमें से जो एनालिटिकल मेथड है उसमें पहला है तर्ज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, तो तर्ज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा कंसेप्ट और उसके बेसिक्स जो है वो ज़रा देखें। तर्ज़ागी ने 1943 में मेरे ख्याल में बुक पब्लिश किया, ठीक है, उस बुक में ये जो थ्योरी है बेयरिंग कैपेसिटी के हवाले से, ठीक है, ये भी उसमें मौजूद है, तो इसको जरा रीड करते हैं। इसमें सबसे पहले ये याद रखें, जो भी थ्योरी होती है, जो भी फार्मूला होता है, जो भी लॉ है, उन तमाम चीजों के लिए याद रखें, हर चीज के लिए बेसिकली स्टार्ट में कुछ एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये आपने समझना है, एजम्पशन क्यों करते हैं बताएं जरा। ये जो थ्योरीज होती है, क्योंकि आइडियल आइडियल कंडीशंस हर जगह पे नहीं होती, तो कुछ एडम्पशन करनी, आइडियल कंडीशन, अच्छा ये है एजम्पशन इसलिए करते हैं कि याद रखें नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल कंडीशन है, जो एक्चुअल कंडीशन है, हर चीज हर फिनोमेना में, ये मैंने आपको हाइड्रोलॉजी में भी बताई थी, हर फिनोमेना में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, समझ आ रही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें एक या दो या तीन पैरामीटर नहीं होते बल्कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। एक रिसर्चर या एक साइंसदान जो है वो एक वक्त पे सैकड़ों या हजार
पैरामीटर चेक नहीं कर सकता, ठीक है, समझ आ रही है? कि एक वक्त पे सैकड़ों या हजारों पैरामीटर चेक नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो कुछ पैरामीटर को साइड पे रखेगा, ठीक है, और जो वो कर सकता है वो पैरामीटर उनके लिए एक्सपेरिमेंटेशन या जो उसका प्रोसीज, क्लियर? तो उन पैरामीटर को साइड पे रखने के लिए एक तरीका है कि आप कुछ एजम्पशन करें, ऐसे करें सिचुएशन जो नेचुरल सिचुएशन है, एक्चुअल कंडीशन है, वो करें सिंप्लीफाइड करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, समझ गए? यस सर। तो ठीक, तो ये जो assumption है वो ये सबसे पहले depth of n are equal to its width, ये चीज याद, सबसे पहले कि depth is less than or equal to width, depth is less than or equal to b, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शैलो फाउंडेशन की डिफिनीशन है, एफ डी इज लेस देन इक्वल टू बी, दिस इज का फाउंडेशन, इसका मतलब है कि ये जो बेयर कैपेसिटी इक्वेशन है, दिस इज नॉट डी सिंपलीफिकेशन, डी फाउंडेशन एक अलग दुनिया, तो उसने सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट किया और के डीप को फैला, सिर्फ इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है द फाउंडेशन रिजिड एंड हैज अ रफ बॉटम, फाउंडेशन इज रिजिड हैज अ रफ बॉटम, इसका मतलब समझते हैं, फाउंडेशन है, ठीक है, वो एज्यूम करता है दिस इज रिजिड, रिजिड का क्या मतलब होता है, और नीचे क्या है, सॉयल है, बताए कोई, शाबाश, रिजिड का क्या मतलब, हार्ड है और नीचे फाउंड जो सरफेस है, एग्जैक्टली ये हार्ड है, हार्ड का मतलब ये है कि ये पोर्शन जो है वन एलिमेंट कंसिडर होगा, वन एलिमेंट का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे लेट सपोज इसको इस साइड से लोड अप्लाई करते हैं, तो इस तरह नहीं होगा कि इसका सिर्फ ये पोर्शन ऊपर जाएगा और बाकी पोर्शन अपनी जगह पे रहेगा, नहीं, अगर हम यहाँ पे भी लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये फाउंडेशन पूरा एक जैसे ऊपर जाएगा, इसका रिजिड का मतलब ये है, समझ आ रही है? यस सर, समझ गए, ये पॉइंट रिजिड यूनिफॉर्म ऊपर जाएगा इस तरह, पूरा ऊपर गया, ठीक है, इस तरह नहीं होगा कि सर ये रिजिड का मतलब यहाँ पे ये है, बॉटम का मतलब ये है कि ये जो सॉइल और फाउंडेशन का इंटरेक्शन है ये रफ है, रफ का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मौजूद है, फ्रैक्शन का फोर्स, ठीक है, क्लियर है? थर्ड पॉइंट, सॉइल बीनीथ द फुटिंग इज सेमी इनफाइनाइट मास, होमोजीनियस सेमी इनफाइनाइट मास, ये आपको पता है क्या चीज है, होमोजीनियस क्या चीज होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस का क्या मतलब है, सेम मटेरियल सेम प्रॉपर्टीज, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज,
इन ऑल डायरेक्शन, समझ आ रही है? डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट, अगर एक्स एक प्रॉपर्टी है तो वाई में वही प्रॉपर्टी, हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। एक्स और वाई जानते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। कि देखिए, ये हॉरिजॉन्टल एंड सॉइल है, वर्टिकल। लेट सपोज, तो इस सॉइल में ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, लेट सपोज वाई डायरेक्शन कहते हैं। तो पर इसके एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी आप पढ़ चुके हैं, परमिबिलिटी इसको कहते हैं। परमिबिलिटी जानते हैं? जी के सर, ये हाइड्रोलिक, याद रखे ये होमोजीनियस प्रॉपर्टी नहीं है, ये हेट्रोजीनियस। इसका मतलब है कि एक ही सॉइल में वर्टिकल डायरेक्शन में परमीबिलिटी एक जैसे होगी, जबकि एक्स डायरेक्शन में परमीबिलिटी डिफरेंट होगी। क्लियर है? यस सर। तो यहां पे एजम्पशन इसने ये बनाई है कि हम एज्यूम करते हैं कि इस वो एक जैसी है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में। समझ गए? ये बहुत बड़ी एजम्पशन है, होमोजीनियस कंसिडर किया, जबकि एक्चुअली बहुत सारी प्रॉपर्टीज सॉइल की ऐसी है जो वो हेट्रोजीनियस है, जिसकी मैंने एक एग्जांपल आपको, ये परमिबिलिटी की। ठीक है, जी सर, क्लियर है? यस तो सर, इसने ये एज्यूम किया कि सारी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम है। दूसरा है इनफाइनाइट। आपको पता है फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट यस सर, और इनफाइनाइट जानते हैं? लिमिट यस एंड सर। नो जिसकी लिमिट। बाउंड्रीज, जिसका लिमिट बाउंड्री मालूम हो उसको फाइनाइट कहते हैं, जिसकी बाउंड्रीज मालूम ना हो उसको इनफाइनाइट कहते हैं। तो इसको ये सॉइल जो है इसको अमूमन हम क्या लेते हैं, क्या जूम करते हैं, सीमी इनफाइनाइट। सीमी इनफाइनाइट इसलिए कि देखिए, इसका जो डेप्थ है, डेप्थ भी इसका मालूम नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में भी मालूम नहीं है कहाँ तक सॉयल है। ठीक है, इस तरह इस डायरेक्शन में भी जमीन है, कहाँ तक है एंड मालूम नहीं है। जबकि हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर इसका एंड यहाँ पे मालूम है। तो इस वजह से ये तीन डायरेक्शन तो मालूम नहीं है, ये तो क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन सिमी का वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि एक डायरेक्शन में इसकी बाउंड्री मालूम है, जो सरफेस है। इज दैट क्लियर? यस सर, तो इस वजह से ग्राउंड को सीमी इनफाइनाइट मास कहते हैं, या सॉइल। ठीक है, ये एजम्पशन भी समझ गए। नेक्स्ट एजम्पशन है फोर्थ वन, स्ट्रिप फाउंडेशन विद हॉरिजेंटल बेस एंड लेवल ग्राउंड सरफेस अंडर वर्टिकल लोड्स। ये एजम्पशन याद रखे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तेरजागी ने ये भी एज्यूम किया कि मैं जो अभी बेयरिंग कैपेसिटी मालूम करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए होगा। स्ट्रिप फाउंडेशन जानते हैं? यस सर। वॉल फाउंडेशन। वॉल वॉल फाउंडेशन, बिल्कुल वॉल फाउंडेशन। ठीक है, जिस बहुत ज्यादा कंपेयर टू वेड, एल इज वेरी ग्रेटर देन एल, लेंथ ऑफ फाउंडेशन है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज। क्लियर है? यानी इस यस रेक्टेंगुलर सर। किस्म का, कैसे रेक्टेंगुलर किस्म का फाउंडेशन, ठीक, विद हॉरिजेंटल सर, बेस। आपकी ये भी आवाज याद कट रही रखे है बार कि बार। बेस,
हेलो सर आपकी हेलो। आवाज जी वो सर। बार बार बीच में कट रही हाँ थी। अभी क्लियर है आवाज। सर क्लियर है अभी आवाज। यस सर अभी क्लियर है। लेक्चर खत्म है। ठीक है, इतना नहीं है। अच्छा बात है। हॉरिजेंटल बेस। हॉरिजेंटल बेस का क्या मतलब है कि फाउंडेशन का जो बेस है, आपको बता रहा हूँ पहला, ये क्या होना चाहिए? ये हॉरिजेंटल होना चाहिए। हॉरिजेंटल का मतलब कि फाउंडेशन हमारा इनक्लाइन, समझ आ रही है? बिल्कुल। प्रेजेंट के लेवल के साथ इसका लेवल हॉरिजेंटल होना चाहिए। एनुअल ग्राउंड सरफेस, जो सरफेस है इसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लेट सपोज फाउंडेशन लगाया है, ठीक है, और ग्राउंड सरफेस हमारा यहाँ है, ठीक है। तो ये ग्राउंड सरफेस भी क्या होना चाहिए? लेवल होना चाहिए। इस तरह ना हो जिस तरह पहाड़ी इलाकों में इस किस्म का ना हो, यानी हम सिर्फ लेवल के लिए कर रहे हैं। तिरजानी की ये assumption कि हम इसके लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस लेवल के लिए। और तीसरा जो है, या चौथा नंबर पे इसी पॉइंट में, फोर्थ जो है, ये है वर्टिकल लोड्स, के जो लोड्स है फाउंडेशन के ऊपर, वो लोड्स भी वर्टिकल होने चाहिए। वर्टिकल जानते हैं? इस तरह एग्जैक्टली, बल्कि इस तरह ना हो। इंक्लाइंड लोड के लिए ये फार्मूला नहीं है, या इस तरह नहीं है। समझ गए? एजम्पशन यस सर नंबर फोर, ठीक है, इंक्लाइंड के लिए नहीं है, सिर्फ वर्टिकल के लिए, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे है, द जनरल शियर मोड ऑफ फेलियर गवर्न्स इन नो कंसोलिडेशन ऑफ द सॉयल अकर्स, ठीक है। यानी जनरल शियर फेलियर होगा। ये जो तिरजागी का जो बेसिक इक्वेशन है, ये याद रखे कि ये जनरल शियर के लिए है। जनरल शियर अभी हमने पढ़ लिया कि स्टिफ किस्म का क्ले है, या डेंस डेंस क्या है, सैंड, ठीक है। तो अगर डेंस सैंड है और स्टिफ क्ले है, तो फिर उस कंडीशन में कंसोलिडेशन नहीं हो सकती। स्टेफ क्ले में कंसोलिडेशन बहुत कम होगी, या नहीं होगी। स्टेफ का मतलब है अगर उसकी डेंसिटी ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो गई है, तो इसका मतलब है अभी कंसोलिडेशन के लिए उसमें और स्पेस या वॉइड्स नहीं है। वो कंप्लीटली जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के करीब है, कंप्रेस्ड हालत में, ठीक है। तो ये इस किस्म के सॉयल के लिए है। ये याद रखे कि तरजागी का जो बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने सिर्फ इस किस्म के सॉयल के लिए यूज करना है, ठीक है। सेटलमेंट इज ड्यू ओनली टू शियरिंग एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ द सॉयल। और जो इसमें सेटलमेंट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ लेटरल मूवमेंट ऑफ द सॉयल और शियरिंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉयल इज डिस्क्राइब बाय दिस। ये यार के ये भी नहीं कि जो है वो मोहर कूलम क्राइटेरिया के मुताबिक डिफाइन होना चाहिए। मोहर कूलम क्राइटेरिया आप ऑलरेडी जानते हैं कि एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव। इज दैट क्लियर? ये 6 एजम्पशन है, बहुत ज्यादा जरूरी एजम्पशन है तर्जागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन समझने के लिए। उसका प्रूफ याद रखें, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे आपको बहुत ज्यादा क्लियर और आसान तरीके से प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है? जी सर आ रही सर। प्रूफ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ये फिगर देखे, ये फिगर जो आपको अभी नजर आ रहा है, इस फिगर में हमने अभी डिस्कस किया कि ये फिगर चीज के लिए, जनरल शियर फेलियर के लिए। जनरल शियर फेलियर, ये एक फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का जो विड्थ है बी के बराबर है, ठीक है। और इस फाउंडेशन पे जो मैक्सिमम लोड आ रहा है वो क्यू अल्टीमेट, ठीक
ठीक है, समझ आ रही है? तो अगर जनरल शेयर फेलियर होगी तो इस किस्म का फेलियर होगा, यानी जब इस पे लोड इंक्रीज करेंगे तो इसमें एक विज बन जाएगा, ठीक है, जिसको एक्टिव जोन कहते हैं, रेक्टेंगुलर एक्टिव जोन, ये वन, ठीक है। और ये वन जब नीचे जाना चाहेगा तो ये तो नीचे जाएगा, लेकिन इसके साथ जो एडजेसेंट सॉइल वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रेडियल मूवमेंट करेगा, रेडियल, ठीक है। तो इस रेडियल मूवमेंट की वजह से इस जोन टू को ये जोन और ये जोन, ये टू कहलाते हैं। इस जोन टू को रेडियल शियर जोन कहते हैं, ठीक है। और रेडियल शियर जोन की वजह से जो जोन थ्री है, जोन थ्री अपवर्ड की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा, जबकि जोन थ्री पे लोड देखे डाउनवर्ड है। किस चीज का लोड है? गामा डी का लोड है, सेल्फ वेट ऑफ दिस सॉयल है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से फिर भी ये उसी लोड की तरफ जाना शुरू करेगा, समझ आ रही है? सॉरी, उसी लोड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज जाता है लोड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम पैसिव कहते हैं। तो दिस जोन इज नॉन एज पैसिव जोन, ये थर्ड जोन, ठीक है, क्लियर है? जी सर, यस सर। इसमें कुछ एंगल आपने याद रखने हैं। ये जो एंगल है यहाँ पे इस वेज में, जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल किस चीज के बराबर है? फाई के बराबर है, फाई इन्फ्लेक्शन एंगल ऑफ द सॉइल, ठीक है। इसी तरह ये वाला भी फाई के बराबर है। ये दो अगर फाई के बराबर है तो फिर ये तीसरा एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्राइंगल की मदद से, ठीक है, ट्राइगनोमेट्री यूज के। इसी ये फाई एंगल, ये फाई एंगल, ये एंगल भी मालूम होगा। ट्रायल, इस ट्रायल ये जो साइड है ये बी के बराबर, वेट ऑफ फाउंडेशन, और फिर इससे ये साइड भी मालूम कर सकते हैं एंगल यूज करके, ठीक है। तो इसमें ये साइड भी मालूम करते हैं और ये ऑलरेडी मालूम है, तो उस थीटा की मदद से ये जो सेंटर है ये मालूम हो सकता है। फिर ये मालूम करने के बाद इस पूरे वेज का वेट मालूम करते हैं, ठीक है, और वेट के साथ ये कंपेयर करके, ये इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ये याद रखे कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये लाइन है फाउंडेशन लाइन, जहाँ पे फाउंडेशन है उसका लाइन, ठीक है, और ये थर्ड और सेकेंड जोन का जो सेपरेशन लाइन है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये 45 डिग्री -5/2 के बराबर है। इसी तरह ये इस साइड पे जो एंगल है ये भी 45 -5/2, ठीक है। ये जोन थ्री की मैं बात कर रहा हूँ, जोन थ्री में यहाँ पे भी ये कंडीशन, अगर ये दोनों 45 -5/2 है, तो ये जो रिमेनिंग थर्ड एंगल है वो आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा जनरल शियर फेलियर का फिगर है, तजागी ने इसी फिगर को यूज करके इक्वेशन डेवलप किया है या प्रूफ किया है, वो इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर और First two lectures you can ask. Any question? क्लियर है अभी। मां पूजा अच्छा, अगर सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं है, तो फिर आप अटेंडेंस उसी तरीके से लगाए जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये याद रखे अभी 50 स्टूडेंट्स मौजूद है, मैं क्लास लेने के बाद यही अटेंडेंस यूज करूँगा, ठीक है। तो मतलब है अगर किसी ने छोड़ दिया तो फिर मुझसे गेला ना करे कि मेरा अटेंडेंस नहीं लगा है, ठीक है। अटेंडेंस कमेंट्स में उसी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे और फिर उसके बाद आप लीव कर सकते हैं, ठीक है।